हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगा डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के बारे में। तो देखिए, ये लोअर लिम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेपरेट आर्टरी की पूछ ही जाती है ये डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। तो ये हमारा फुट मान लीजिए इसको। तो ये जो हमारा फुट रहता है उसका ये जो सरफेस होता है ये हमारा डोर्सल सरफेस मतलब एंटीरियर सरफेस होता है, और ये हमारा सोल, हम इसको सोल भी बोलते हैं। तो ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है यानी वेंट्रल सरफेस, हम इसको सोल भी बोलते हैं। बात करते हैं तो हमारा जो डोर्सल ऑफ द फुट होता है, डोर्सम ऑफ द फुट, उसकी ये चीफ पाल्पेबल आर्टरी होती है। किन पेशेंट में हम इनको पाल्पेट करते हैं? जिन पेशेंट में वैसो ऑक्लूसिव डिजीज होती हैं लोअर लिम की। तो देखिए, अगर एग्जाम में आया आपको लिखना है बिगनिंग कोर्स टर्मिनेशन, इसके रिलेशन लिखने हैं और इसकी ब्रांचेज लिखनी है और इसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बिगनिंग कोर्स और टर्मिनेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियोज में भी बताया हुआ है, जो हमारी लोअर लिम की आर्टरी होती है फीमोरल आर्टरी, वो कंटिन्यू होती है, बनाती है हमारी पॉपलीटियल आर्टरी। पॉपलीटियल आर्टरी डिवाइड होती है एंटीरियर टीबियल और पोस्टीरियर टीबियल में। तो जो हमारी एंटीरियर टीबियल आर्टरी होती है, जैसे ही वो दो मेल्यूलस को क्रॉस करती है, लाइन जॉइनिंग द टू मेल्यूलस, क्या बना लेती है हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। तो जब हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी आगे जाती है, कहाँ चली जाती है? देखिए, ये हमारा वो है फुट। तो जैसे ही लाइन जॉइनिंग द टू मेल्यूलस, ये हमने दो मेल्यूलस मान लिए, तो लाइन जॉइनिंग द टू मेल्यूलस को क्रॉस करेगी तो हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी बना लेगी और कहाँ चली जाएगी? मीडियल साइड चली जाएगी। रीच प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है, ये वाली। तो जैसे ही ये हमारी मेटाटार्सल्स हैं, ये हमारी टार्सल्स हैं और ये हमारी फाइव मेटाटार्सल्स हैं। तो जैसे ही फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस को क्रॉस करेगी, ये क्या करेगी? डिप डाउन कर जाएगी। ये देखें, पास फॉरवर्ड अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट, मीडियल साइड जाएगी, रीच प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस, डिप्स डाउनवर्ड बिटवीन टू हैंड्स ऑफ फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस मसल। तो जो हमारी इंट्रोशियस मसल होती है, डोर्सल इंट्रोशियस, जो फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस होती है, उसके हमारे टू हैंड्स होते हैं। तो उसके बीच में से ये डिप डाउन कर जाती है और क्या करती है, जो हमारा सोल है उसमें प्लांटर आर्टीरियल आर्च होता है, उसमें जाके ज्वाइन कर जाती है। तो एंड कहाँ करती है? एंड इन द सोल। ये थी हमारी डोर्सल की, लेकिन डोर्सल से क्या करेगी? फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस जो होता है वहां से डिप कर जाएगी और हमारे सोल में चली जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अब हम इसके रिलेशन की बात करेंगे। सुपरफिशियल क्या होगा इसमें? स्किन, फेशिया आएंगे, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, और एक हमारा इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आएगा। तो देखिए, मैंने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, पर इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है इतना। अब हम इसके डीप बात करते हैं। तो एक तो लिगामेंट आएगा और तीन बोन आएंगी। ये देखिए, ये जो आपको बड़ी सी बोन दिख रही है हमारी टैलस है, फिर ये हमारी नेविकुलर है, और ये हमारी इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्यूनिफॉर्म है। तो ये हमारी इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म आएगी, ये मीडियल वाली होती है, ये लेटरल वाली होती है। देन हम बात करेंगे मीडियल साइड और लेटरल साइड। मीडियल साइड हमारी कौन सी मसल आएगी? एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, और लेटरल साइड फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो देखिए, आप तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हमारा पहला, ये हमारा कौन सा साइड होता है? एक्सटेंसर साइड होता है फुट के केस में, तो ये हमारा, और हैंड के केस में भी यही एक्सटेंसर साइड होता है। तो ये हमारा एक्सटेंसर साइड होता है, तो एक्सटेंसर हेलुसिस, जैसे हैंड में थंब को हम पोलेक्स बोलते हैं, वैसे ही लेग के केस में हम हेलक्स बोलते हैं, हेलक्स इसलिए, तो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, और लेटरल साइड मीडियल साइड तो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, और लेटरल साइड कौन सी आएगी? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। नेक्स्ट, लास्ट हम बात करेंगे इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो देखिए, इसकी चार मेन ब्रांचेस होती हैं, वो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। जैसे ही वो मीडियल मेल्यूलस और लेटरल मेल्यूलस को क्रॉस करती है, जैसे ही डोर्सालिस पेडिस आर्टरी बन जाती है, वैसे ही वो दो ब्रांचेस दे देती है। यहाँ पे टार्सल्स हैं, तो आर्टरी का नाम क्या होगा? मीडियल टार्सल और लेटरल टार्सल। नीचे आएगी जब, तो मीडियल साइड एक ब्रांच देगी जिसका नाम है फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल। तो देखिए, यहाँ पे कौन सी बोन्स हैं? मेटाटार्सल। तो आर्टरी का नाम क्या है? मेटाटार्सल आर्टरी। और कौन सी है? फर्स्ट।
तो यहाँ पे फर्स्ट मेटाटार्सल है, तो फर्स्ट और साइड कौन सी है, डॉर्सल साइड है, तो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। और इस नाम का, इस आर्टरी का नाम आर्कुएट आर्टरी क्यों है, क्योंकि ये आर्क की फॉर्म में होती है। अब फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी और आर्कुएट आर्टरी की फर्दर ब्रांचेज होती हैं, वो ये मैं आपको इजी डायग्राम से समझाऊंगा। तो देखिए ये वाली जो है ये हमारी डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी है, इसकी ये है मीडियल टार्सल, लेटरल टार्सल, ये है फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल। तो आप इनमें से एक एक वाई निकालेंगे, एक वाई इसमें से निकालेंगे और तीन वाई इसमें से निकालेंगे, और जो लास्ट वाई होगा एक आर्टरी का तो उसको डबल कर देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट टू होती हैं ये फर्स्ट डिजिट के लिए, ये सेकंड डिजिट को सप्लाई करेगी, ये थर्ड डिजिट को सप्लाई करेगी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ डिजिट को सप्लाई करेगी, ये फर्स्ट डिजिट के मीडियल साइड को और ये फर्स्ट डिजिट के लेटरल साइड को, ऐसे ही ये सेकंड डिजिट के मीडियल साइड को और ये सेकंड डिजिट के लेटरल साइड को। तो देखिए आप ये डायग्राम से देख सकते हैं कैसे इसकी सप्लाई होती है। और इन आर्टरीज का नाम होता है डॉर्सल मेटाटार्सल, ये वाली जो है ये निकली है सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिए ये वाली तो हमारी फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल निकल गई थी, तो बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ आर्कुएट आर्टरी से निकलती हैं। और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं इनका नाम होता है डॉर्सल डिजिटल ब्रांचेज। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, और इसमें आपको इतने ही रिलेशन, कोर्स, बिगनिंग, टर्मिनेशन और इसकी ब्रांचेज लिखने हैं और डायग्राम बनाना है। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो इस वाले डायग्राम को ना बना के आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।